हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं मीडिया क्वेरीज के बारे में, जिसकी हेल्प से आप लोगों की वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसको समझने के लिए बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास एक बेसिक index.html है, जिसके साथ हमने style.css को कनेक्ट कर लिया इस तरीके से। और अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा इसके अंदर, ऑलराइट। और ऐसा करते हैं, सीधा यहाँ पर आते हैं स्टाइल के अंदर और अपनी बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर डिफाइन करते हैं, लेट्स से रेड। तो अभी बेसिकली हमारा कुछ इस तरीके का पेज दिख रहा है, जिसके अंदर रेड कलर का बैकग्राउंड है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये छोटा हो, एज इन जब ये डिवाइस की विड्थ छोटी हो, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए। उसके लिए मुझे मीडिया क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी। और मीडिया क्वेरीज का सिंटैक्स ऐसे होता है कि आप लिखते हो @media, उसके बाद आप बताते हो किन किन एक्शंस पे आप लोगों के मीडिया क्वेरीज हिट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर बताऊँगा ब्रैकेट्स के अंदर विड्थ लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 400 पिक्सल। तो मैं चाहता हूँ कि जब विड्थ मेरी 400 पिक्सल से कम हो, तो उस टाइम पर ये वाली style.css को यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या करना चाहता हूँ कि मैं अपने बॉडी के बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहता हूँ। तो बॉडी के अंदर गए हम, बैकग्राउंड कलर को लेट्स से कर दिया हमने रेड से ग्रीन। तो आप देखेंगे कि अभी तो ये रेड है, लेकिन जब हम इसे छोटा करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे इसे इंस्पेक्ट। यहाँ पर हम इस जगह पर आएंगे और टॉगल डिवाइस टूल बार, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर रिस्पॉन्सिव पर क्लिक करेंगे। और आप देखिए यहाँ पर विड्थ लिखी आ रही है, ठीक है। जब हम इसे बड़ा करेंगे तो यहाँ पर विड्थ बड़ी हो रही है, और जब हम इसे छोटा करेंगे तो विड्थ छोटी होगी। और जब आप 400 पिक्सल हिट करोगे, तो आपके बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड से ग्रीन हो जा रहा है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर 399 300 तक ये ग्रीन है, उसके बाद ये रेड हो जाता है। तो ये होती है हमारी मीडिया क्वेरीज। और अभी जो हमने देखा वो था मीडिया क्वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइस विड्थ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको विड्थ नहीं, आपको ओरिएंटेशन के बेसिस पर करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आओगे, लिखोगे ओरिएंटेशन लेट्स से पोर्ट्रेट। तो जब ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होगी, तब बैकग्राउंड कलर को ग्रीन करो। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कब होती है? जब आपकी हाइट आपकी विड्थ से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जब आपकी हाइट विड्थ से ज़्यादा बड़ी है, तो आपकी ग्रीन कलर में आप चेंज कर लोगे अपने बैकग्राउंड को। तो अभी फिलहाल आप देखिए, आपकी जो हाइट है वो है 458 और विड्थ है 391। तो इस टाइम पर हम पोर्ट्रेट मोड में हैं, और अगर हम 458 से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, तो अब हम लैंडस्केप मोड में आ चुके हैं। तो दिस इज़ योर लैंडस्केप मोड। एंड जैसे आपकी विड्थ छोटी होगी हाइट से, उस टाइम पर हम इस तरीके से पोर्ट्रेट मोड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारी मीडिया क्वेरी हिट हो रही है। तो ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, जहाँ हमने देखा कि कैसे हम बॉडी के कलर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप देखोगे वेबसाइट्स के अंदर सिर्फ बॉडी के कलर को चेंज नहीं कर रहे होते, वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं जब मीडिया क्वेरीज हिट हो रही होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे करते हैं, MDN की वेबसाइट देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारी एक नॉर्मल सी वेबसाइट है, जिसमें ये लेफ्ट में कुछ साइड बार है, राइट में साइड बार है, और ये ऊपर मेन्यू दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम करेंगे इंस्पेक्ट और इसकी विड्थ को अगर हम छोटा बड़ा करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये किस तरीके से चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये फुल विड्थ में ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसे छोटा करेंगे तो आप देखेंगे जो राइट साइड में ये बार है, ये साइड बार गायब हो जाता है उसका। फिर हम फर्दर और छोटा करेंगे, तो कुछ देर बाद ऊपर का जो मेन्यू है उसको फोकस कीजिए, मेन्यू आपका चेंज हो जाएगा। और अब मेन्यू इस तरीके से ये वाला बटन आ गया हमारे पास। और जब हम और फर्दर छोटा करेंगे, तो जो लेफ्ट साइड में साइड बार है वो भी गायब हो जाता है। तो इन्होंने काफ़ी सारी मीडिया क्वेरीज यहाँ पर लगा रखी हैं, और अगर आप और छोटा करते जाओगे तो अब कोई मीडिया क्वेरी हिट नहीं हो रही है। और अगर आपको देखना है कि यहाँ पर कितनी मीडिया क्वेरीज हिट हो रही हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद शो मीडिया क्वेरीज पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे 3 बार्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने विड्थ डिफाइन कर रखे कि 992 पिक्सल पर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर मैक्स विड्थ 768 पिक्सल है, यहाँ पर मैक्स विड्थ 40 रैम है, एंड देन सो ऑन। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब मैं छोटा करूँगा, तो ये इन डिफरेंट मीडिया क्वेरीज के अंदर चेंज कर रहा है। तो आप चाहो तो अपनी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट मीडिया क्वेरीज भी बना सकते हो। अभी फिलहाल हमने सिर्फ एक मीडिया क्वेरी बनाई है, जिसके अंदर हम बता रहे हैं लेट्स गेट दिस बैक टू विड्थ लेस देन इक्वल्स टू 400 पिक्सल। तो अभी फिलहाल हमने ये लिखा, लेकिन आप चाहो तो सेम ऐसा ही एक दूसरी मीडिया क्वेरी बना सकते हो नीचे। और हम यहाँ पे बोलते हैं कि जब विड्थ लेस देन लेट्स से 200 पिक्सल है, तो जब 200 पिक्सल से भी कम हो जाएगा, तो हम इसके कलर को कर देंगे गोल्ड। तो आप देखोगे कि 400 पिक्सल से कम होगा तो ग्रीन होगा, और उससे छोटा होगा तो यहाँ पर गोल्ड में चेंज हो जाएगा कलर। तो आप देखोगे ऊपर जो विड्थ है 400 पिक्सल में ये ग्रीन हो गया, और 200 पिक्सल से कम करेंगे तो गोल्ड हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम एक काम और भी कर सकते हैं कि अभी फिलहाल जो हमने मीडिया क्वेरीज डिफाइन करी है, उसके अंदर हमने लिखा है विड्थ लेस देन 400 पिक्सल। ये सिंटैक्स एकदम नया है, और अभी ये मीडिया क्वेरीज के वर्जन 4 के अंदर रोल आउट हुआ है। लेकिन इससे पहले हम क्या लिखते थे, तो अभी यहाँ पर जैसे विड्थ लेस देन 400 पिक्सल लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो मैक्स विड्थ 400 पिक्सल, ठीक है।
तो अभी जो हमने लिखा यहाँ पर लिखा मैक्स विड्थ 400 पिक्सल, तो जब आपकी विड्थ 400 पिक्सल या उससे कम होगी तभी ये वाली कंडीशन हिट होनी चाहिए। एंड सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मैक्स विड्थ जब 200 पिक्सल है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका सेम मतलब है, और अब ये आप देखोगे कि 400 पिक्सल से कम करेंगे तो ग्रीन, एंड देन उससे कम करेंगे तो यहाँ पर वो गोल्ड में चेंज हो रहा है। और अब अगर आप लोग यहाँ पर शो मीडिया क्वेरीज करोगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारे वाले मीडिया पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर, दीज आर मीडिया क्वेरी जो हमने यहाँ पर डिफाइन करी थी। तो इस तरीके से हमारा मैक्स विड्थ काम करता है। सिमिलरली हम मिन विड्थ भी बना सकते हैं। तो मैक्स विड्थ को आप इस तरीके से रीड करते हो कि अप टू 400 पिक्सल, तो अप टू 400 पिक्सल वो काम करो जो इस वाली मीडिया क्वेरी के अंदर डिफाइंड है, एंड अप टू 200 पिक्सल वो वाला काम करो जो इस वाली मीडिया क्वेरी के अंदर डिफाइंड है। एक्चुअली मीडिया क्वेरीज काम किस तरीके से करती हैं, तो आपका नॉर्मल CSS ही चल रहा है, आपने पहले बॉडी का बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, उसके बाद मीडिया क्वेरी हिट होगी और चेक किया जाएगा कि क्या कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर वाली चीज़ों को एग्जीक्यूट कर दो। फॉर एग्जाम्पल क्या मैक्स विड्थ 400 पिक्सल, क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है, हम देखेंगे अगर 400 पिक्सल से कम है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और आपका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। फिर दोबारा फर्दर चेक किया जाएगा कि क्या अभी मैक्स विड्थ 200 पिक्सल से भी कम है, तो पहले ग्रीन हो रखा था, और अगर आपकी विड्थ सपोज करो 150 पिक्सल है तो उस केस में आपके बॉडी का कलर ग्रीन से फिर गोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आप इस तरीके से चल रहे हो, अगर आप इसको ऊपर लिख दोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि 150 पिक्सल करने पर यह गोल्ड नहीं होगा, ये वापस ग्रीन में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ये गोल्ड होगा, गोल्ड होने के बाद अगेन ये वाली कंडीशन हिट होगी और इसमें चेक किया जाएगा कि क्या जो विड्थ है जो कि 150 पिक्सल है वो 400 से कम है, हाँ वो कम है, तो इसलिए दोबारा से ये ग्रीन हो जाएगा। तो अगर आपको मैक्स विड्थ को लिखना है तो आपको ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है इस तरीके से, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। सिमिलरली हमारे पास होता है एक मिन विड्थ, तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं मिन विड्थ, और यहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग मिन विड्थ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम, तो आप यहाँ पे बता रहे हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 400 पिक्सल, मतलब 400 पिक्सल के बाद आप लोग बैकग्राउंड कलर को ये कर दोगे। इसका मतलब पहले आपका बैकग्राउंड कलर रेड होगा और जैसे आप 400 पिक्सल से बड़े हो जाओगे वैसे आप अपने कलर को ग्रीन कर दोगे। सिमिलरली जब आप 200 पिक्सल से बड़े हो जाओगे तो आप अपने बैकग्राउंड कलर को गोल्ड कर दोगे। यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ पर 600 पिक्सल करते हैं, तो अब आप देखोगे कि 400 से बड़े होंगे तो ग्रीन हो जाएंगे और 600 से बड़े होंगे तो गोल्ड हो जाएंगे, देखते हैं कैसे। तो अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं हम 600 पिक्सल से बड़े हैं इसलिए गोल्ड हो रखे हैं, और 600 से छोटे हुए तो हम ग्रीन हो रखे हैं, और अगर 400 से छोटे होंगे तो जो डिफ़ॉल्ट था विच इज़ रेड कलर वो आपको दिखाई देगा, तो रेड कलर दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे ये वाली कंडीशन हिट हुई तो वैसे ही हमारा ग्रीन कलर हो गया, उसके बाद अगर ये कंडीशन हिट हो रही है तो ये वाला कलर लग जा रहा है। तो सिमिलरली आप जितनी मर्जी मीडिया क्वेरीज यहाँ पर लिख सकते हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। एक और बहुत हैंडी हम यूज़ कर रहे होते हैं विच इज़ एंड, तो एंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड, और उसके बाद एक और कंडीशन यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, तो दिस एंड वर्क्स एज लॉजिकल एंड, तो मतलब ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए एंड ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि 400 पिक्सल से बड़ा, और यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर देते हैं 600 पिक्सल से छोटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। तो जब आप 400 पिक्सल से बड़े हो और 600 पिक्सल से छोटे हो तभी आपको ये कलर ग्रीन करना है। अगर मैं यहाँ नीचे वाली इस कंडीशन को हटा दूंगा तो आप देखोगे कि ये जो ग्रीन कलर है ये सिर्फ 400 से 600 पिक्सल के बीच में ही दिखाई देगा आपको। तो अब जब हम 400 से बड़े हैं या फिर 600 से छोटे हैं तभी हमें ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, 600 से बड़े होते वापस हम रेड कलर में आ गए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाला बार है ये हमारा वो मीडिया क्वेरी है, जो रेंज वाली मीडिया क्वेरी हमने यहाँ पे डिफाइन करी है एंड की हेल्प से, और आप यहाँ पे उसके रूल को भी पढ़ पा रहे हैं जब हम हवर कर रहे हैं कि मिन विड्थ 400 पिक्सल एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, तो इसका मतलब हम इस रेंज के अंदर एक मीडिया क्वेरी को हिट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको ये मिन विड्थ और मैक्स विड्थ याद करने में प्रॉब्लम हो रही है कि ये मिन विड्थ मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, मिन विड्थ को हमें रीड करना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम एंड मैक्स विड्थ रीड करना चाहिए अप टू, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 400 पिक्सल एंड अप टू 600 पिक्सल, या फिर यहाँ पर एक और काम हम कर सकते हैं सिमिलर टू दिस कि मैं इसको करूँगा कॉपी और यहाँ पर लेट्स से करते हैं पेस्ट। आप यहाँ पर जो नया वाला सिंटैक्स आया मीडिया क्वेरी का वो भी यूज़ कर सकते हो, तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखोगे कि 400 पिक्सल से बड़ा आपकी विड्थ होनी चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू 600 पिक्सल होनी चाहिए। ये वाला सिंटैक्स भी आप लिखोगे तो ये भी वर्क करेगा और अभी भी सेम काम हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, ये ग्रीन है लेकिन छोटा करेंगे तो वापस रेड हो जाएगा, ये 400 से 600 के बीच में काम करेगा। ऊपर आप देख रहे हैं वो रूलर नहीं दिखाई दे रहा है, मे बी वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज ये एक नया सिंटैक्स आया है और अभी ब्राउज़र के अंदर इसका सपोर्ट डाला नहीं गया है। ब्राउज़र के अंदर मैक्स विड्थ दिखाई देता है, मिन विड्थ दिखाई देता है और साथ में रेंज दिखाई देता है, लेकिन ये वाला जो सिंटैक्स रूल है ये दिखाई नहीं देता अभी फिलहाल।
तो मीडिया क्वेरीज की थ्योरी के अंदर तो इतना ही था, अब थोड़ा प्रैक्टिकली से इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं रियल वर्ल्ड में आप लोग मीडिया क्वेरीज को कैसे यूज़ कर रहे होते हो। तो हम आएंगे अपने ग्रिड पोर्टफोलियो वाले एग्जांपल के अंदर, और ये प्रोजेक्ट हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था, तो आपको अगर ये समझना है कि कैसे काम कर रहे हैं इसके अंदर तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखनी होगी, जिसके अंदर हमने कुछ ऐसा लेआउट बनाया था, दिस इज़ आर ग्रिड पोर्टफोलियो, जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है अगर आप लोग ऐसे फुल विड्थ मोड में हो, आई मीन लैपटॉप वाले मोड में हो। लेकिन अगर हम इसको अपने फ़ोन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट में जाके अगर हम इसे छोटा करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये लेआउट काफ़ी बिगड़ गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर डायमेंशन के अंदर जो रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ है इसको चेंज कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के एस्पेक्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आईफोन एसई के अंदर आपका ये ऐसा दिखाई देगा, आईफोन एक्सआर के अंदर आपका ये ऐसा दिखाई देगा, एंड सो ऑन। तो इनकी कुछ प्री डिफाइंड विड्थ और हाइट होती है, उसके बाद आप लोग इनकी विड्थ और हाइट चेंज नहीं कर सकते, चेंज इट टू 100%। तो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल, और आपको दिख रहा है कि आईफोन 12 के अंदर ये आपका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं और इसको हम दिखाना चाहते हैं कि जो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये ऊपर आ जाए, ये राइट साइड वाला पार्ट जो है वो नीचे आ जाए। तो हम यहाँ पर मीडिया क्वेरीज की हेल्प से इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होगे भैया कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे डिवाइसेज हैं हमारे पास, हमें कौन से वाले डिवाइसेज की विड्थ और हाइट के हिसाब से यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाने चाहिए। आई मीन मैंने तो यहाँ पर बस ऐसे ही लिख दिया था कि 400 से लेकर 600 के बीच में, लेकिन हम किस किस डिवाइस की विड्थ के हिसाब से चलें, तो इसके लिए आप लोग कुछ वेल रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जांपल टेल विंड, तो हम यहाँ लिखेंगे टेल विंड मीडिया क्वेरीज, और जिसके बेसिस पर टेल विंड ने अपनी मीडिया क्वेरीज लिखी हुई हैं वही हम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये डिसीजन पे आए होंगे कि स्मॉल हमारा 640 पिक्सल से कम जो वेट था उनको हम स्मॉल मानेंगे, 768 पिक्सल से जो कम है उनको मीडियम मानेंगे, 1024 से जो कम है उनको लार्ज मानेंगे, एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से आप जितने मर्जी मीडिया क्वेरीज़ के पॉइंट बना सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने लार्ज डिवाइस के लिए तो अपना ऐसा ही लेआउट रहने देंगे, कि लार्ज डिवाइस के लिए तो हम ऐसा ही रहने देंगे इसे, लेकिन जैसे लार्ज से छोटा होता है, एज इन जब ये मीडियम और स्मॉल होता है, इसका मतलब जब ये 1024 से कम होता है तब हम अपने इस पोर्टफोलियो को चेंज करना चाहते हैं। इसका मतलब मैं एक मीडिया क्वेरी यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो हम आएंगे अपने ग्रिड पोर्टफोलियो के स्टाइल के अंदर, यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि मीडिया क्वेरी फॉर विड्थ लेस देन इक्वल्स टू 1024 पिक्सल, इस तरीके से। और यहाँ पर आएंगे हम अपनी मीडिया क्वेरी डिफाइन करेंगे तो एट द रेट मीडिया, और समटाइम्स आप देखोगे मीडिया के साथ ना यहाँ पर स्क्रीन लिखा होता है, तो ये बेसिकली मीडिया का टाइप होता है। आपके पास इसके अलावा दो वैल्यू और होती हैं, विच इज़ प्रिंट, या फिर इसके अलावा एक होता है ऑल। यूजुअली आपको यहाँ पर लिखना होता है स्क्रीन, इसका मतलब कि आप स्क्रीन के अंदर जब ये शो होगा तो उसको हैंडल कर रहे हो। प्रिंट का मतलब जो आपका वेबसाइट प्रिंट हो रही होगी तो उसके अंदर किस तरह की मीडिया क्वेरी होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं आप लिखते हैं एट द रेट मीडिया स्क्रीन, ये टाइप हो गया। इसके अलावा हम कौन सा फीचर हिट करना चाहते हैं, तो एंड लिख के यहाँ पर हम लिखेंगे 1024 से कम विड्थ, इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्स विड्थ 1024, दिस इज़ अप टू 1024 पिक्सल। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिफाइन करने वाले हैं, तो अभी अगर आप देखोगे इसको तो दिस इज़ अ फ्लैक्स, राइट, ये जो सबसे ऊपर वाला कंटेनर है दिस इज़ अ फ्लैक्स। अगेन अगर आपको ये समझना है तो आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके अंदर हमने ये समझाया हुआ अच्छी तरीके से। तो दिस इज़ करंटली अ फ्लैक्स, और 1024 से बड़ा होगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, लेकिन 1024 से जब छोटा होगा तो उसके अंदर हम इस फ्लैक्स की डायरेक्शन को रो से कॉलम कर देना चाहते हैं। तो अगर आप आओगे हमारे कंटेनर के अंदर, तो दिस इज़ आर कंटेनर जिसके अंदर मैंने इसका डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है, मैं यहाँ पर आऊँगा और डॉट कंटेनर, इसके फ्लैक्स की डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे फ्रॉम रो टू कॉलम। तो रो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और अब यहाँ पे हमने कॉलम कर दिया, तो आप देखोगे लेफ्ट वाला पार्ट ऊपर चला गया है और राइट वाला पार्ट नीचे आ गया, इस तरीके से। अगर हम 1024 से बड़ा करते हैं तो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट में और राइट वाला पार्ट राइट में आ रहा है, लेकिन छोटा करते ही ये कॉलम में चेंज हो रहा है। इसके साथ ही बाकी सारी प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो गैलरी है इसकी विड्थ को हमें सेट करना है, तो डॉट गैलरी, इसकी विड्थ हम सेट कर देंगे 100%, जिससे कि ये पूरी की पूरी विड्थ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी विड्थ ले रहा है, लेकिन जब आप इसे छोटा करोगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये अभी फिलहाल दो रोज़ में स्पैन कर रहा है, सिमिलरली ये भी दो रोज़ में स्पैन कर रहा है। मैं चाहता हूँ जब ये छोटे हों तो सभी के सभी बॉक्सेस एक ही रो के अंदर और एक ही कॉलम के अंदर स्पैन करें, बेसिकली एक ही कॉलम बन जाए। यहाँ पर फिलहाल तीन कॉलम्स बने हुए हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास अभी फिलहाल हमने इनको दे रखा है, किसी किसी बॉक्स को रो टू क्लास दे रखी, किसी किसी बॉक्स को कॉलम टू क्लास दे रखी है। मैं आऊँगा और मैं सभी बॉक्सेस के अंदर एक ही रूल सेट कर दूंगा कि जितने भी मेरे बॉक्सेस हैं उन सभी का ग्रिड रो सेट कर दो, ग्रिड रो टू स्पैन वन।
तो सभी के सभी बॉक्सेस का रो वन हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये वाटरफॉल जो कि दो रोज में स्पैन कर रहा था, अब ये सिर्फ एक रो में स्पैन कर रहा है। सिमिलरली आई थिंक ये रेन दो रोज में था, अब ये एक रो में आ चुका है। लेकिन अभी भी फिलहाल ये जो माउंटेन्स है ये दो कॉलम्स में स्पैन कर रहा है। सिमिलरली हिल्स दो कॉलम्स में स्पैन कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास यहाँ पर तीन कॉलम्स है राइट, तो मैं सभी एलिमेंट्स को बोल सकता हूँ कि आप सभी के सभी ग्रिड कॉलम तीन में स्पैन करो। ठीक है, तो सभी के सभी एलिमेंट्स मेरे तीन कॉलम्स में स्पैन करेंगे इस तरीके से। तो अब सारे के सारे एलिमेंट मेरे इस तरीके से एक लाइन में आ चुके हैं और ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो रिस्पॉन्सिव बन जाता है, छोटी स्क्रीन में ऐसा दिखाई देगा और बड़ी स्क्रीन के अंदर ऐसा दिखाई देगा। तो सेम कंटेंट डिफरेंट तरीके से आपका शो होता है बाय यूजिंग मीडिया क्वेरीज। यहाँ पर हम कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस कंटेनर को थोड़ी पैडिंग दे सकते हैं टॉप और बॉटम से। तो टॉप और बॉटम से देने के लिए पैडिंग ब्लॉक हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लेट्स से 20 पिक्सल। तो जब ये इस मोड में होगा तो यहाँ पर इस तरीके से पैडिंग मिल जाएगी टॉप और बॉटम से, तो ऊपर से भी थोड़ी पैडिंग मिल गई और नीचे से भी। बाकी सारी फंक्शनलिटी अभी भी वैसे ही काम करेंगी, फॉर एग्जांपल हवर स्टेट हमारी पहले की तरह काम करेगी। एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पर कि जब ये छोटा हो इस तरीके से मोबाइल मोड के अंदर, बॉक्सेस की हाइट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पहले बॉक्सेस की हाइट हो रखी थी ग्रिड ऑटो रोज 120 पिक्सल, तो हम गैलरी में आके इसको कर सकते हैं लेट्स से 220 पिक्सल। तो अब हमारे बॉक्सेस अब बड़े हो जाएंगे फॉर लाइक दिस, तो अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं। तो मोबाइल मोड के अंदर ये बड़े हो जाएंगे इस तरीके से और लैपटॉप मोड के अंदर ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये दो मीडिया क्वेरीज बना रखी हैं। आप लोग चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट विड्थ्स के लिए अलग अलग और मीडिया क्वेरीज बना सकते हो सिमिलर टू दिस। यहाँ मोबाइल्स के लिए आप अलग बना सकते हो और टैबलेट के लिए अलग, 768 पिक्सल के लिए आपने अलग बना दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट बनाने के लिए बस आपको क्या करना है, सेम कोड को कॉपी करना है और इसके लिए आपने कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिफाइन कर देनी है। लेकिन यहाँ पर लिखना है मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। तो डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स के लिए आप लोग अलग अलग बिहेवियर दे सकते हो और इस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स काम करती हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स इन सीएसएस के बारे में, उसके बाद कुछ फंक्शंस देख रहे होंगे सीएसएस के अंदर।